बैतूल एसपी सिमला प्रसाद के निर्देशन में अवैध शस्त्र रखने वाले गुंडा बदमाशों व आत्मन अपराधी से अवैध हथियार पकड़ने संबंधी माह दिसंबर व जनवरी में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत 47 अपराधियों से कुल 51 हथियार व कारतूस जब्त करने में बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है पुलिस अधीक्षक सिमला प्रसाद की जबानी पूरी कहानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कार्रवाई की गई है विभाग द्वारा? इसमें आज जो कार्रवाइयां की गई हैं, इसमें पिछले दो माह से, दिसंबर और जनवरी के माह से, लगातार अवैध हथियार रखने वाले और बेचने वालों के विरुद्ध अभियान के तौर पे चलाया गया था। और इसमें कुल हम लोगों ने दो माह में 47 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें अलग अलग हथियारों जब्त किया गया है और जिसमें 16 कट्टे भी जब्त हुए हैं। और इसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें प्रिलिमिनरी तौर से ये सामने आया है कि इसमें से चार जो प्रकरण हैं, जो कट्टे हमें मिले हैं, वो चार कानपुर से खरीदे थे आरोपियों।